नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। थराली में कुलसारी समन्वय समिति का गठन, उचित मुआवजा दिए जाने की मांग। कुलसारी में सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भवन स्वामी और व्यापारियों के बीच शनिवार को एक बैठक हुई। इस दौरान प्रभावितों ने कहा कि जिन लोगों को भवन या व्यापारिक प्रतिष्ठान भूमि अधिग्रहण की जद में आते हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। अनियंत्रित होकर ट्रक अलकनंदा नदी में गिरा, चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान। रुद्रप्रयाग से कुछ दूरी पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा, जिसमें सवार दो लोगों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। नगर निगम के अधिकारियों पर गरजे भाजपा जिलाध्यक्ष, सुनाई खरी खोटी। अतिक्रमण की जद में आई स्कूल की दीवार तोड़ने पहुंची नगर निगम की टीम को भाजपा जिलाध्यक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने नगर निगम में पहुंचकर अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। हरिद्वार हर की पैड़ी पर बनाई गई जल क्यारी और स्वागत द्वार। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि हर की पैड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर गंगा सभा द्वारा जल क्यारी बनाई गई है। ऐसे तीर्थयात्री या श्रद्धालु जूता चप्पल उतारे बिना भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं हर की पैड़ी की मान्यता पवित्रता और शुद्धता बनी रहेगी। उत्तराखंड, आपका आरोप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कुंभ मेला। आम आदमी पार्टी ने कुंभ निर्माण कार्यों में पाई जा रही अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि कुंभ की अवधि 28 दिनों की कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करने का काम डबल इंजन सरकार ने किया। हिमालयी क्षेत्रों में कम बर्फबारी से बड़ी चिंताएं, प्रभावित होंगी हिमालयन व्याघ्र की पैदावार। इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी कम होने से हिमालयन व्याघ्र के नाम से प्रसिद्ध केड़ा जड़ी यारसा गम्बू का उत्पादन इस बार प्रभावित हुआ है। शोध में पाया गया कि जिस साल हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी कम हुई है, इसके उत्पादन में भी कमी आई है। मक्का जाने पर हिंदुओं को रोक, मंदिरों में भी लगे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। प्राची, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने मंदिर में गैर हिंदू शख्स की पिटाई वाले मामले पर बात करते हुए गैर हिंदुओं के मंदिरों में जाने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मक्का मदीना में हिंदुओं के जाने पर रोक है, तो मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के जाने पर रोक होनी चाहिए। अधिक बिल आने से नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस में किया प्रदर्शन। सितारगंज विकासखंड के गांव के लोगों के बिजली का बिल अधिक आया है, जिसके विरोध में लोगों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में अधिशाची विद्युत अभियंता के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री निशंक ने कुंभ मेले की तुलना परीक्षा आयोजन से की, जानिए क्या कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुंभ मेले की तुलना परीक्षा के आयोजन से की है। उन्होंने कहा, अगर लोग कोरोना बचाव संबंधी मानकों के पालन नहीं करेंगे तो कुंभ का आयोजन अच्छे ढंग से नहीं होगा। कोरोना महामारी के बीच भी हमने देश में नीट और जेईई की परीक्षा कराई। मसूरी एसडीएम की कोरोना को लेकर बैठक, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मसूरी एसडीएम मनीष कुमार ने पुलिस सहित विभिन्न संस्थाओं को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने आदि सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। होटल एम्बेसडर हत्याकांड, श्रीनगर में हत्या चढ़ा हत्यारा, पैसों के लेन देन में हत्या की बात कबूली। देहरादून एम्बेसडर होटल में युवती की हत्या कर फरार आरोपी विजय को पुलिस ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। हत्यारा पुलिस को चेकिंग के दौरान हाथ लगा, हत्यारा पुलिस से छिपने के लिए चमोली अपने घर जा रहा था। चरस और अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चरस और अफीम बरामद की है। बाईपास निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारी अजीत भूसरी का कहना है कि नेशनल हाईवे 74 पर बाईपास के निर्माण का कार्य अधर पर लटकने से भारी वाहनों को शहरों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी। उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ सर्विसेज एसोसिएशन के कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक लंबे सुनियोजित आंदोलन की तैयारी की है। अग्रवाल महासभा ने राज्यसभा सांसद को सौंपा मांग पत्र। मसूरी अग्रवाल महासभा के सांसद रमेश बंशल को शहर और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। शिफन कोर्ट के विस्थापितों को मिला सहारा, कैबिनेट मंत्री ने सौंपा चेक। मसूरी के शिफन कोर्ट से बेघर किए गए 17 परिवारों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 21,000 रुपए का चेक सौंपा, साथ ही उन्हें जल्द आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। रानीखेत के जंगल में लगी आग, वन संपदा को नुकसान। रानीखेत के कोट ख्यूशाल गांव के जंगल में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने से वन संपदा को खासा नुकसान हुआ है। शर्मनाक, संतान नहीं होने पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। देहरादून में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां संतान नहीं होने पर पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यूथ कांग्रेस ने सीएम तीरथ को दिखाई काले झंडे, पुलिस ने हिरासत में लिया। रामनगर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को काले झंडे दिखाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस महिलाओं की जींस पर टिप्पणी और महंगाई को लेकर विरोध कर रही थी। युवा पर्यावरण एक्टिविस्ट रिद्धिमा पांडे ने किया मातृ सदन का समर्थन, सोशल मीडिया पर चलाएंगे कैंपेन। युवा पर्यावरण एक्टिविस्ट रिद्धिमा पांडे मातृ सदन की मुहिम को समर्थन करने पहुंची। केंद्र ने महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बताया नाकाफी। महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को केंद्र सरकार ने नाकाफी बताया है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से जाना जाएगा कुड़का वाला मार्ग, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने किया अनावरण। डोईवाला के कुड़का वाला मार्ग को अब वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से जाना जाएगा, जिसका अनावरण पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। विश्व वानिकी दिवस मानव वन्य जीव संघर्ष पर हुई चर्चा, गढ़वाल वन संरक्षण ने किया प्रतिभाग। मुखिया वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक ने वन विभाग अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विश्व वानिकी दिवस मनाया। कोविड के खात्मे के लिए धार्मिक अनुष्ठान का सहारा, कोरोना नाशक चंडी यज्ञ का आयोजन। हरिद्वार में कोविड के खात्मे के लिए कोरोना नाशक चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान के जरिए कोरोना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रखर जी महाराज ने यज्ञ के धुएं से कोरोना खत्म होने की बात कही है। सल्ट उपचुनाव में बीजेपी खेलेगी सिंपैथी कार्ड, जाने क्या है वजह। सल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस मंथन कर रही है कि इस विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए किसे उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। वहीं संभावना है कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश सिंह जीना को बीजेपी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सीएम तीरथ की फिर फिसली जुबान, बोले दो से ज्यादा बच्चे होते तो मिलता ज्यादा राशन। रामनगर में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दो और विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इससे पहले बयान में वे दो बच्चों वालों को 20 बच्चों वालों से जलन न करने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरे बयान में वे कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर 200 साल राज किया।